हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रीश्वाल। तो आज अपने पास न्यूली लॉन्च Hyundai Creta फेसलिफ्ट, आज अपने पास जो वेरिएंट है Hyundai Creta फेसलिफ्ट का, ये है इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो कि एस ऑप्शनल वेरिएंट है। सबसे पहले फेसलिफ्ट Hyundai Creta के वेरिएंट एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे जो बेस वेरिएंट आता है वो आता है ई, फिर आता है EX, फिर आता है एस, फिर एक नया वेरिएंट निकाला जो कि पहले एस प्लस आता था, अब ये आने लग गया जो कि एस ऑप्शनल वेरिएंट है। ये वाला तो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो Hyundai Creta के लाइनअप में है वो है एस ऑप्शनल वेरिएंट। फिर इसके ऊपर जाते हैं तो आता है SX एंड SX Tech, फिर आता है जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है वो आता है SX ऑप्शनल वेरिएंट। तो अगर पूरे ओवरऑल डिजाइन की बात करते हैं Hyundai Creta फेसलिफ्ट की, तो यहाँ पे ना बहुत सारे चेंजेस कर दिए। अगर आप सेल्टोस फेसलिफ्ट को देखोगे तो वहाँ पे ना इतने चेंजेस नहीं करे, इतना आपको Hyundai Creta में चेंजेस मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पूरा फ्रंट एंड रियर लुक देखोगे तो पूरा ही चेंज मिल जाता है। बट अगर अपन जहाँ आते हैं इसके साइड लुक में, तो साइड लुक उतना चेंज नहीं करा Hyundai Creta का, जो पूरा फ्रंट फेस है ना पूरा ही चेंज कर दिया है। एंड ये इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जो कि एस ऑप्शनल वेरिएंट आता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इसकी कीज है तो यहाँ पे आपको ये की मिल जाती है Hyundai Creta फेसलिफ्ट में। की में कोई भी चेंजेस नहीं करे, की आपको वही सेम मिलती है जो कि पहले मिलती थी। लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर का फीचर मिलता है यहाँ पर। एंड इसमें आपको ना तीन ही बटन्स मिलते हैं जो कि इसका ये एस ऑप्शनल वेरिएंट है, तो आपको तीन ही बटन्स दिए गए। इसके अपर वेरिएंट में जाओगे SX वेरिएंट में तो वहाँ पे आपको स्टार्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा बोल्ड डिजाइन मिलता है पहले से। जो क्रोम है ना वो पूरा ही खत्म कर दिया है Hyundai ने। यहाँ पे Hyundai का लोगो पूरा सिल्वर फिनिश में ही दिया गया है। कनेक्टेड आपको DRS मिल जाती है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी DRS मिल जाती है, यहाँ पे इसका इंडिकेटर मिल जाता है जो कि LED में आता है। इसका इंडिकेटर सिक्वेंशियल इंडिकेटर इस वेरिएंट में नहीं आते, इसके अपर वेरिएंट में आपको मिल जाएंगे सिक्वेंशियल इंडिकेटर। पूरी कनेक्टिंग मिल जाती है इसकी DRS जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे जो आपको DRS मिलती है ना इसके बेस वेरिएंट से आती है। नीचे की साइड अपन हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो पहले आपको जो हेडलैम्प्स मिलते थे ना ट्रायो बीम मिलते थे, यहाँ पे आपको ज्यादा लैम्प्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दो लो बीम के लिए दिया गया है, दो हाई बीम के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं इसके ग्रिल पे। नीचे की साइड स्किड प्लेट आ जाती है जो कि पूरी सिल्वर में आती है, इसके बेस वेरिएंट से दी गई है स्किड प्लेट। एंड इस वेरिएंट में आपको एडास नहीं मिलेगा। SX टैग एंड SX ऑप्शनल वेरिएंट में आपको एडास मिलता है, इस वेरिएंट में एडास नहीं दिया गया है। अगर डायमेंशंस वाइज देखते हैं 1890 mm की आपको वेट मिल जाती है। बट अगर अपन साइड लुक से आते हैं Hyundai Creta के फेसलिफ्ट के, तो फेसलिफ्ट में डायमेंशन जो है ना इसके बढ़ा दिए, मतलब इसकी लेंथ बढ़ा दी है, जो कि इसकी जो लेंथ है ना अब 4330 mm की आपको पूरी लेंथ मिल जाती है Hyundai Creta फेसलिफ्ट की। इससे इतना कोई ज्यादा चेंज नहीं करा, बहुत ही माइनर चेंज करे हैं Hyundai Creta फेसलिफ्ट में। साइड से देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाते हैं इसके अलॉय व्हील्स। यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स है ना पूरे आपको ना ब्लैक आउट ही मिलते हैं, पूरे ग्लॉसी ब्लैक में दिए गए हैं इसके अलॉय व्हील्स। 215/60R17 की इसकी प्रोफाइल मिल जाती है, तो 17 इंच का यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाता है इसके एस ऑप्शनल वेरिएंट में, जो कि यहाँ पे आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है। इसके अपर वेरिएंट्स में आओगे तो वहाँ पे आपको डायमंड कट मिल जाएगा अलॉय व्हील्स। यहाँ पे ORBMs मिल जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, डोर हैंडल्स पूरे बॉडी कलर ही मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ यहाँ मिल जाता है जो कि इसमें कीलेस एंट्री आती है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो कि इसमें चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड रखे गए हैं बेस वेरिएंट से। तो सिल्वर जो एलिमेंट्स आते हैं ना ये आपको पूरा पहले वाले ही लगेगा। रूफ रेस आ जाती है जो कि सिल्वर में आती है। शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाता है जो कि ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है एस ऑप्शनल वेरिएंट में, तो ये आपको पूरा साइड लुक मिल जाता है Hyundai Creta में। अब आते हैं इसके रियर लुक में, तो ये रियर लुक मिल जाता है Creta फेसलिफ्ट का। जो आपने फ्रंट से देखा था ना पूरी कनेक्टिंग DRLs, रियर में भी टेल लाइट मिलती है ना पूरी कनेक्टिंग दी गई है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। रियर से देखते हैं तो डीफॉगर रियर वाइपर यहाँ मिल जाता है, यहाँ पर हाई माउंट प्रॉब्लम दिया गया है स्पॉइलर के साथ। तो आपको पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट दी गई है। एंड यहाँ पे Hyundai का लोगो आ जाता है जो कि सैटिन फिनिश में ही आता है। इंडिकेटर भी आता है, ये भी LED में ही मिलता है। Creta की बैजिंग Hyundai का लोगो जो है वो पूरा आपको सैटिन फिनिश में ही मिलता है। स्टीयरिंग पे जो लोगो मिलता है ना इंटीरियर में वो भी आपको सैटिन फिनिश में ही दिया गया है। चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। अब रिवर्स लाइट आपको यहाँ मिल जाती है। अब एक बार ओपन करते हैं इसका बूट, तो ये आपको पूरा बूट स्पेस मिल जाता है Creta फेसलिफ्ट में। बूट स्पेस पूरा ही सेम मिलता है जो कि पहले आता था, वो 33 liters का पूरा बूट स्पेस मिल जाता है। 60-40 स्पीड आपको सीट्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील जो मिलता है नीचे की साइड ही दिया गया है इसका स्पेयर व्हील जो कि 16 इंच का आता है। लाइट्स मिल जाती है जो कि हेलोजन में आती है। यहाँ पे पार्सल ट्रे भी दी गई है। तो अब चलते हैं इसके एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर, तो ये आपको पूरा इंटीरियर मिल जाता है Hyundai Creta फेसलिफ्ट का। अगर अपन इंटीरियर से देखते हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए। अगर पूरे डैशबोर्ड पे देखते हैं तो डैशबोर्ड ना बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। अपन कलर की बात करते हैं तो कलर में थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आया है कि पहले वाली Hyundai Creta जो थी उसमें आपको यहाँ व्हाइट कलर तो मिलता ही था, उसी के साथ यहाँ पे आपको ना पूरा ब्लैक कलर मिलता था। मतलब इंटीरियर में ना पूरा ब्लैक कलर दिया था, बट अब उसको हटा के यहाँ पे आपको पूरा ग्रे मिल जाता है। तो मतलब आप पूरा इंटीरियर आप देखोगे तो व्हाइट एंड ग्रे कलर का पूरा इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपको ब्लैक मिल जाता है। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, ऑटो बटन ऑन दोनों इसके ड्राइवर साइड। यहाँ पे ORBMs पेट्रोल मिल जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों हैं इसके ORBMs। डोर हैंडल्स पूरे पहले वाले ही मिलते हैं। यहाँ पे जो स्पीकर है ये आपको आर्क्रम्स के स्पीकर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे आपको ना एक स्पीकर बढ़ा दिया है जो कि सेंटर में आता है, वहाँ पे आपको सब बूफर मिल जाता है। अब यहाँ पे एस ऑप्शनल में आपको मिल जाते हैं 6 स्पीकर एंड 1 सब बूफर।
यहाँ पे बॉट होल्डर या स्पेस दी गई है, यहाँ ट्विटर्स मिल जाते हैं। सीट अपोजिट पूरी फैब्रिक में ही मिलती है, हाइट एडजस्टमेंट सीट्स मिल जाते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हो आप यहाँ से, पूरी अपोजिट आपको फैब्रिक में ही मिलती है। एंड यहाँ पे आपको देखोगे इसके सीट कवर्स पे तो यहाँ भी ग्रे थीम ही दी गई है। तो ये इंटीरियर मिल जाता है हुंडई क्रेटा फेस लिफ्ट का। अगर पूरा इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डैशबोर्ड आप देखोगे तो बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है पहले से। आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, ऑटो ऑफ का मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ मिल जाता है, लाइट एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। सो ये है पूरा इंटीरियर क्रेटा फेस लिफ्ट का। सबसे पहले स्टेयरिंग से देखते हैं तो यहाँ पे भी जो स्टेयरिंग जो ब्लैक आउट मिलता था ना पूरा आपको ग्रे में दिया गया, तो यहाँ पे आपको पूरा स्टेयरिंग ग्रे में मिल जाता है। इस साइड इसके ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मोड के फिक्स सिस्टम यहाँ दिए गए हैं, इसमें वॉइस कमांड का फीचर भी आता है, कॉल पिक डेकलाइन आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे इसके ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मतलब इसके स्क्रीन के कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे इसके क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, एमआईडी कंट्रोल्स यहाँ दिए गए। यहाँ पे अगर इसके अपर वेरिएंट्स में रहेंगे, सेक्स ऑप्शन वेरिएंट आता है, तो वहाँ पे आपको ना एडास के फीचर दिए गए, यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपने वेन्यू में देखा होगा, एक्सटर में देखा होगा, सेम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे टैगोमीटर मिलता है, सेंटर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा, TPMS हाईलाइन आता है इसमें। तो यहाँ पे आपको ये MID मिल जाती है, इसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, वाइपर्स कंट्रोल मैनुअली ही मिलते हैं। सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे जो स्क्रीन मिलते हैं ना, 8 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसमें आप कारप्ले, एंड्रॉइड और वायरलेस चला सकते हो। ऊपर साइड यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पे जो इसके कंट्रोल्स है स्क्रीन के, वो आपको इस साइड दिए गए हैं, ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसका क्लाइमेट कंट्रोल AC, यहाँ पे स्पेस दी गई है। चार्जिंग पोर्ट जो मिलता है ना, यहाँ पे सी टाइप दे दिया गया है इसका चार्जिंग पोर्ट, तो यहाँ पे आपको सी टाइप मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे USB पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे आपको ये स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। वायरलेस चार्जर इस वेरिएंट पे नहीं आता है। 6 स्पीड आपको मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। एक रिवर्स कैमरा क्लियरिटी चेक करते हैं तो ये क्लियरिटी मिल जाती है इसके रिवर्स कैमरा की, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी बता देगा। तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। हैंड ब्रेक आपको मैनुअली मिलता है। 2 कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया, जो कि फिक्स्ड ही आता है उसका आर्मरेस्ट। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है इसके आर्मरेस्ट में। पूरे डैशबोर्ड पे देखते तो एक चीज बहुत ही प्रीमियम लगती है क्रेटा फेस लिफ्ट में, AC वेंट्स का एलिमेंट दिया ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। बॉक्स देखते हैं तो ग्लव बॉक्स भी कूल दिया गया आपको इस वेरिएंट में। टिकट होल्डर की स्पेस यहाँ दी गई है सनवाइजर पे। मैनुअली आपको IRVM दिया गया है। इस साइड आपको ग्लासेस होल्डर की स्पेस मिल जाती है, जो कि इसमें आता है। लाइट्स के कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं, जो कि LED लाइट्स आती है इसमें। इस साइड आपको मिरर मिल जाता है, लाइट्स आपको इसी साइड मिलती है सिर्फ। एंड इस वेरिएंट से आपको मिल जाता है इसका पैनोरामिक सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ का जो साइज है ना, वो पहले वाला ही मिलता है। सो ये आपको पूरा इंटीरियर मिल जाता है क्रेटा फेसलिफ्ट के एस ऑप्शनल वेरिएंट का। अब चलते हैं इसके रेयर में। रेड ओर पे देखते हैं तो यहाँ पे जो टच मिलता है ना, पूरा हार्ड टच ही दिया गया है। फ्लोर स्पेस मिल जाती है, पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ दिए गए, स्पीकर यहाँ मिल जाता है, बॉटल होल्डर की स्पेस यहाँ दी गई है। यहाँ पे आपको सन कर्टन्स भी मिल जाते हैं, जो कि S वेरिएंट से मिलते हैं। यहाँ पे आपको S ऑप्शन में भी दिए गए सन कर्टन्स। तो रियर सीट आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाती है। 3 पॉइंट्स आपको सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। सीट बेल्ट्स के जो कलर भी है ना, यहाँ पे आपको ग्रे ही दिए गए, ब्लैक कलर के सीट बेल्ट्स अब आपको नहीं मिलते हैं। पे एड्रेस आते हैं, यहाँ आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको कुशन्स नहीं मिलेंगे इसके एड्रेस में। आपको SX वेरिएंट में आपको कुशन्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हो इन सीट्स को। लेग्स पे आपको वही सेम मिलता है। यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, बट चेंज क्या है कि यहाँ पे आप चार्जिंग पोर्ट जो मिलते हैं ना, सी टाइप दिए गए। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। 2 AC वेंट्स यहाँ मिल जाते हैं। इस साइड आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि इसमें आर्क्रम्स के ही स्पीकर आते हैं। सेंटर में इसका आर्मरेस्ट आ जाता है, जिसमें 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है इसके आर्मरेस्ट में। यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है, जो कि LED में ही आती है, मतलब केबिन लाइट जो दी गई है ना, पूरी LED में ही मिलती है। तो यहाँ पे आपको केबिन लाइट जो है LED में ही मिल जाती है। यहाँ पे आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, जो कि प्लस पे भी आपको एयरबैग्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ना 6 एयरबैग्स के बेस वेरिएंट से दिए गए हैं क्रेटा के फेस लिफ्ट से। तो ये आपको पूरा इंटर मिल जाता है क्रेटा फेस लिफ्ट का, जो कि इसका S ऑप्शनल वेरिएंट है। एक बार इसमें इंजन भी चेक करते हैं, जो कि इसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है। अगर अपन बात करते हैं Hyundai Creta facelift S ऑप्शनल वेरिएंट की प्राइसिंग की, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है वो आती है 3,82,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। एंड अगर आप ऑन रोड देख रहे हो इंदौर में, तो मैं हूँ अभी समय प्रिंस Hyundai इंदौर में, तो यहाँ पे ये आपको ऑन रोड पड़ती है 18,72,000 की। ये आपको ऑन रोड पड़ जाती है Hyundai Creta का डीजल वेरिएंट, जो कि S ऑप्शनल वेरिएंट है। ये तो पूरा ओवरऑल रिव्यू Hyundai Creta फेसलिफ्ट S ऑप्शनल वेरिएंट का रिव्यू। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।